प्राइवेट स्कूल जो हर साल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की फीसें बढ़ाते हैं, जिसको लेकर बच्चों के माता पिता की जेबों पर खासा असर पड़ता है। अब फिर न्यू एडमिशन होने वाली है और स्कूल अपनी मनमानी करना शुरू हो गए हैं। ऐसा ही एक मामला पठानकोट सुजानपुर लिंक रोड पर पढ़ते एक प्राइवेट स्कूल में देखने को मिला, जहां पर स्कूल की ओर से बच्चों के आने जाने के किराए से लेकर उसकी स्कूल फीसें बढ़ाई गई, जिसको लेकर बच्चों के माता पिता ने 2 दिन पहले भी स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया था, जिसके बाद आज स्कूल मैनेजमेंट ने बच्चों के माता पिता को फिर बुलाया था, लेकिन उनकी बातचीत का कोई हल ना निकल सका। यह जो लोग आप प्रदर्शन करते हुए देख रहे हैं, अपने बच्चों के भविष्य की चिंता को लेकर आज उन्हें मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, क्योंकि हर बार स्कूलों की ओर से मनमानी कर फीसों से लेकर बच्चों को लाने और छोड़ने का खर्चा आदि बढ़ाया जा रहा है, जिसके चलते उन्होंने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि आज हम स्कूल मैनेजमेंट से बात करने के लिए दोबारा आए थे, लेकिन मैनेजमेंट ने हमारे साथ कोई बात नहीं की, सिर्फ अपनी सुनाकर हमें भेज दिया। उन्होंने कहा कि स्कूल मैनेजमेंट का कहना है कि फीस बढ़ाई ही जाएंगी, अगर मैनेजमेंट इसी तरह अड़ा रहा तो 13 तारीख को एक बार फिर बड़े स्तर पर मोर्चा खोला जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जब इस बारे में स्कूल प्रबंधक कमेटी से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि हमें सरकार की ओर से इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि ट्रांसपोर्ट को लेकर बच्चों के माता पिता के साथ मीटिंग की जाए। बच्चों के माता पिता को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने प्रदर्शन किया। जब उनसे फीसें बढ़ाने के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि फीसें तो बढ़ाई ही जाएंगी, क्योंकि हर साल महंगाई बढ़ती है, फीसें भी बढ़ेंगी। अपना बेटा 2014 तो इतने पढ़ता पिया जी, उदो 2860 रुपये फीस थी, अज ने जी फीस है वो करती है 10,140 रुपये। दूजी गल जी, जेडे इन्होंने अपनी पास के बच्चे है उन्हें फीस 800-900 तो उत्ते है नहीं है। ये सू दस कि एक ही सिस्टम है, और बाकी कह रहे हैं कि आप 8 दिन जी फीस है वो वधाई करने हैं। 2860 रुपये फीस अगर अज तो 6 साल पहला अगर आप करिए, सू दस रुपये एक कि हिसाब किताब कर देना, जिदा कि 2800 तो सीधा इन्हें 10,100 रुपये फीस करती है। इनके फीस से रिलेटेड कि हमें हमारे बच्चों की फीस क्यों बढ़ाई जा रही है। आज के जो महंगाई का जमाना है, वहाँ पे एक बच्चा पढ़ाना स्कूल में इम्पॉसिबल है। हम अपने दो दो बच्चे कैसे पढ़ाएंगे? कोई मुझे इस चीज़ का आंसर दे दे। महंगाई कह रहे हैं महंगाई इन स्कूल्स की बढ़ी, क्या हमारी महंगाई नहीं बढ़ी? क्या हमारे हमें फैसिलिटीज नहीं चाहिए? एजुकेशन बेस पे अगर देखा जाए, बाकी स्कूल्स को देखो आप, उनकी फीस कितनी है और इस स्कूल की फीस कितनी है, कंपेयर करो फिर बात करो हमारे आगे। हमेशा कह रहे हैं कि हमें इनकी बात समझ में नहीं आ रही। अगर फादर को ही हमारी बात समझ में नहीं आ रही, तो वो बच्चों को क्या समझेंगे और हमें क्या समझेंगे? हम क्यों उनकी बात सुने? हम उनकी बात क्यों सुने? अब इनके एग्जाम चल रहे हैं, 8 से 7 से इनके एग्जाम शुरू हुए हैं और 18 को इनके एग्जाम खत्म है। CBSE बोर्ड के जब 10th के एग्जाम होते हैं, 12th के एग्जाम होते हैं, इन दैट टाइम भी 4, 4, 5, 5, 6, 6 छुट्टियां होती हैं। इतना प्रेशर है बच्चों के ऊपर, एक 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 भी सब्जेक्ट का रिवीजन बच्चा नहीं कर पाता। एक दिन में आप रिवीजन कर लोगे? 14 चैप्टर्स आते हैं या 6 चैप्टर्स आते हैं, क्या वो रिवीजन कर लेंगे बच्चे? मैं आपसे पूछती हूँ, अभी बच्चे 12 बजे या 1 बजे घर जाएंगे, क्या वो बच्चे रिवीजन कर लेंगे? हम आते हैं उनको बुक्के दे दें, हम उनको खाने के लिए नहीं बोले, हम उनको खेलने के लिए नहीं बोले, हम उनको टीवी देखने के लिए नहीं बोले, क्या वो बच्चा रिवीजन कर लेगा? हम आपको बोलते हैं, अगर मैं एज अ स्टूडेंट, मैं अगर MA के एग्जाम दे रही हूँ, मैं PhD के एग्जाम दे रही हूँ, तो मुझे भी टाइम चाहिए रिवीजन करने के लिए। इतना क्यों प्रेशर किया जा रहा है? सेंट जोसेफ के आप एग्जाम देखो, 20 से शुरू हो रहे हैं, काफी लेट चलेंगे उनके, 4, 4, 5, 5 हॉलीडेज है। इतना क्यों प्रेशर कर रहे हो? फिर आप कहते हो हमने बच्चों की डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये बच्चों की डेवलपमेंट नहीं है, बच्चों के दिमाग को आप डिमोरलाइज कर रहे हो। कि किसी भी बंदे दे प्रेशर ला के कोई चीज ना की जाए, अगर वो प्रेशर ला के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट से साइन होता, और एज पर कोर्ट ऑफ इंडिया इज वाइड, वो कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि अज मैं थोड़े उत्ते बंदूक रख के कोई चीज साइन करा दा, तो वो वाइड है। साढ़े को यहोजे मैसेज है जो प्रूव करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट प्रेशराइज होया। बस आज का मीटिंग जो है, हमने इसलिए बुलाया था कि सेफ स्कूल वाहन का पॉलिसी का लागू करने के लिए पेरेंट्स को जागरूक कराना था, साथ ही उनका सहयोग लेना था कि ये जो गाड़ी चल रहे हैं उनके कईयों का कागजात ठीक नहीं है, उसमें जो सेफ वाहन पॉलिसी के लिए जो भी कंडीशंस है वो आधा भी पूरा नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनका सहयोग लेने के लिए मीटिंग बुलाए थे। और इस मीटिंग पर आए पेरेंट्स ने फीस जो इंक्रीज हुआ उसका इश्यू उठाया, और वो हमने हर साल फीस इंक्रीज करना है, क्योंकि जो एक्सपेंसेस है हर साल बढ़ते जा रहे हैं, तो हर साल फीस इंक्रीज होता ही है, क्योंकि हमें हर टीचर को, स्टाफ को इंक्रीमेंट देना है, एक्सपेंस आते ही है,
और मेंटेनेंस वगैरह जो है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, जनरेटर, जो भी खर्चा है वो बढ़ते ही जा रहे हैं, कोई कम नहीं होते हैं। डीजल का जो प्राइस बढ़ते हैं तो ज़रूर जनरेटर में उसमें खर्चा बढ़ता है, तो परसेंटेज इंक्रीज़ करने के लिए सरकार ने भी हमें इजाज़त दी हुई है, हमने इंक्रीज़ किया भी है। इसके लिए पेरेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इंक्रीज़ नहीं कर सकते, बस ये बात। सर, पेरेंट्स का किसी भी फंड को, मतलब कोई बातचीत होती है, पेरेंट्स किसी भी तरह का आपको विरोध करते हो उस चीज़ के लिए, तो आपकी ओर से सीधा बोल दिया जाता है कि आप अपने बच्चों को यहाँ से निकाल लो? वो कौन ही सकता, कोई भी स्पेशल फैसिलिटी जो प्रोवाइड करते, पेरेंट्स का इजाज़त लेते हैं, उनसे पूछते हैं आप दे सकते कि नहीं। सर, हमने कभी ये नहीं कहा कि बच्चे को निकालना है, हाँ वो बच्चों को वो फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा जो इसके लिए सहमत नहीं है, उनको अलग रखता है। अभी फीसें बढ़ाई जा रही हैं, अभी फीस जो है वो बढ़ाई जा रही है। हाँ, नए स्कूल ईयर में फीस बढ़ाई जा रही है। सर, दूसरा एक और बात है कि जैसे पेरेंट्स ने बोला है कि आपकी ओर से बच्चे की एडमिशन के बाद ही उसका जो है रिजल्ट दिया जाता है, क्या कारण है कि आप बच्चों को अपने स्कूल में ही रखना चाहते हो या नहीं? ऐसा कुछ नहीं, बच्चों को पहले ही नोटिस दिया जाता है, आपके बच्चे को आप ले जाना चाहते हो तो आप टीसी का एप्लीकेशन पहले ही दे सकते हैं। बट सर, पेरेंट्स बोल रहे हैं कि ये तब तक हमारा रिजल्ट ही नहीं देते हैं कि जब तक एडमिशन ना करवाएं। नहीं, जब तक रिजल्ट ना हो हम एडमिशन ले नहीं सकते, सारी सरकारी ऑर्डर है। हम तो नहीं, वो तो जो सरकार की ओर से अकॉर्डिंग है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल की है, और आप जो है पेरेंट्स को रिस्पॉन्सिबल दे रहे हो इसके लिए। नहीं नहीं, पेरेंट्स को यही है कि इतना बताया कि ये लोग जब आएंगे आप वो उस गाड़ी में ही अपने बच्चे को भेज जिस जो स्कूल से इजाज़त ली हो, नहीं दूसरे किसी गाड़ी में ऐसे नहीं भेजना।